नीतिवचन अध्याय 12 नीतिवचन अध्याय 12 जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता वह ज्ञान ही में प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों में सड़ने का कारण होती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जो रोटी की आस लगाए रहता है परंतु बढ़ाई मारता रहता है, उसके दास रखने वाला तुच्छ मनुष्य भी उत्तम है। धर्मी अपने पशु के प्रति भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। दुष्टजन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। मूढ़ की रीस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चूपता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। कामकाज लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। धर्म की बाट में जीवन मिलता है, और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं।